बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 1 एंड टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर टुडेज लेसन इज कमांड्स। इन लास्ट क्लास वी हैव लर्न 3 कमांड्स, ऑटो कमांड, क्लियर कमांड एंड CLS कमांड। आपको उम्मीद है कि आपने इन सब की लर्निंग भी कर ली होगी और आपने प्रैक्टिस भी की होगी इनकी। आज जो हम कमांड्स स्टडी करेंगे दैट इज़ डिलीट कमांड। द फर्स्ट कमांड विच वी गोइंग टू लर्न टूडेज लेसन इज़ डिलीट कमांड। डिलीट कमांड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डिलीट कमांड? द कमांड इज़ यूज टू डिलीट प्रोग्राम लाइन्स। ठीक है, रिमेंबर, डिलीट कमांड इज़ यूज टू डिलीट प्रोग्राम लाइन्स। देखिए, हम प्रोग्राम हमेशा किस में लिखते हैं? लाइन नंबर पर राइट करते हैं। तो जब हमें लाइंस को, उसमें से लाइन नंबर, एक लाइन या रेंज ऑफ लाइन को डिलीट करना होगा, जो हमारी रैम में मौजूद प्रोग्राम होगा, यानी कि जो लोडेड प्रोग्राम होगा, उसको डिलीट करने के लिए हमें क्या, कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ती है? डिलीट कमांड। सो राइट द पर्पस ऑफ दिस कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू डिलीट लाइन और रेंज ऑफ लाइन, यानी कि मोर देन वन लाइन भी आप इसमें से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से? उस प्रोग्राम के लाइंस को डिलीट करेगा जो लोडेड होगी किसके अंदर? मेमोरी के अंदर। यानी कि ये कोई भी हार्ड डिस्क में सेव की हुई फाइल को, की लाइंस को डिलीट नहीं करेगा, बल्कि जो लोड होगी मेमोरी में, ये उस फाइल को क्या करेगा? डिलीट करेगा। अब हम इसका सिंटेक्स देख लेंगे। व्हाट इज़ अ सिंटेक्स? सिंटेक्स आपको मैंने पहले बताया था। व्हाट इज़ अ सिंटेक्स? सिंटेक्स किसको कहते हैं? कि हाउ टू राइट दिस कमांड, कि हम इस कमांड को कंप्यूटर में राइट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे राइट कर सकते हैं। इसका हमारे पास सिंटेक्स होता है डिलीट। हम डिलीट लिखेंगे, उसके बाद हम देंगे लाइन नंबर 1, यानी कि अगर एक लाइन डिलीट करनी होगी तो हम एक ही लाइन दे देंगे, और अगर हमें रेंज ऑफ लाइन देनी हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाइन नंबर, यानी कि पहली लाइन, कॉमा, डैश और सेकेंड लाइन, यानी कि जहाँ तक हमने उस लाइन को, अप टू दिस लाइन हमने वो डिलीट करना हो। उसको हम मज़ीद एग्जांपल से भी हम समझेंगे। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अब हम फर्स्ट एग्जांपल इसके डिलीट करते हैं। फॉर एग्जांपल आई राइट डिलीट 70। डिलीट 70, 70 क्या है? हमारे पास लाइन नंबर है। इट्स मीन कि आपके पास जो लोडेड प्रोग्राम होगा आपकी रैम में, लोडेड मेमोरी मतलब जो रैम में आपका प्रोग्राम होगा, उसमें से जो लाइन नंबर 70 होगा वो उसको डिलीट कर देगा। ये किसको डिलीट करेगा? डिलीट लाइन नंबर 70 फ्रॉम प्रोग्राम, या फिर लोडेड प्रोग्राम, जो हमारे पास लोडेड प्रोग्राम होगा उसकी लाइन नंबर 70 को क्या कर देगा? ये डिलीट कर देगा। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द डिलीट कमांड इज डिलीट 50-150। अब ये क्या करेगा? ये भी हमारे पास कौन कौन से लाइन नंबर को डिलीट करेगा? इट विल डिलीट लाइन नंबर 50-150। ये प्रोग्राम में से, लोडेड प्रोग्राम में से हमारे पास जो लाइन नंबर 50 होगी, 50 से लेकर 150 तक जितनी भी लाइंस होंगी, उन सब को, लाइन को क्या कर देगा? ऑल लाइंस को डिलीट कर देगा आपके पास। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है इसकी डिलीट। ये सारे एग्जांपल आप लोगों ने माइंड में रखनी है, इसमें से MCQs आ सकते हैं। डिलीट डैश 80, इट्स मीन कि आपके पास जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, देखो स्टार्टिंग नंबर नहीं दिया हुआ ना यहाँ पर, देखिए लाइन नंबर, हमें ये वो लाइन नंबर है जहाँ से हमें प्रोग्राम स्टार्ट, यानी कि फर्स्ट, जहाँ से हमें डिलीट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 50 से 150 तक, यानी कि फर्स्ट लाइन कौन सी थी? 50 थी। अब यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन वाला था हिस्सा, वो तो गायब है, वो नहीं उन्होंने मेंशन किया हुआ। तो इट्स मीन कि जहाँ पर आपके पास फर्स्ट लाइन होगी उस प्रोग्राम की, वो वहाँ से लेकर लाइन नंबर 80 तक को डिलीट कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? ऑल लाइंस अप टू 80, यानी कि प्रोग्राम की तमाम लाइंस, 80 तक जितनी भी
भी लाइन्स आ रही होंगी उन सबको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। एक लास्ट हम देख लेते हैं, अब आप लोग इसमें से मुझे बताएंगे डिलीट 120 डैश। अब यहाँ पर कौन सा फैक्टर मिसिंग है, लास्ट वाला मिसिंग है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब फर्स्ट वाला मिसिंग था तो हमने ऑल कह दिया, अब लास्ट वाला मिसिंग है तो हम क्या कहेंगे, ऑल लाइन्स डिलीट फ्रॉम, अब ये फ्रॉम के लिए यानी कि कहाँ से स्टार्ट होंगी, फ्रॉम 120 टिल, अब उन्होंने लास्ट लाइन तो बताई नहीं है तो हम टिल एंड तक वो उसको डिलीट कर देगा। इसमें फर्स्ट लाइन नंबर नहीं बताया कि स्टार्ट कहाँ से करना है तो वो स्टार्ट से सारी लाइन को डिलीट कर देगा। हमने यहाँ पर लास्ट नंबर नहीं बताया कि कौन सी लाइन तक आपने डिलीट करना है तो वो टिल एंड तक सबको डिलीट कर देगा। तो ये हमारे पास डिलीट कमांड है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिलीट कमांड, डिलीट कमांड इज़ यूज टू डिलीट लाइन और रेंज ऑफ लाइन्स। क्या डिलीट करती है, लाइन्स को डिलीट करती है और रेंज ऑफ लाइन्स को डिलीट करती है। द नेक्स्ट कमांड इज एडिट कमांड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिट कमांड, एडिट कमांड इज यूज टू मॉडिफाई, मॉडिफाई मीन्स टू मेक चेंज अ प्रोग्राम लाइन, किसी भी एक लाइन के प्रोग्राम की किसी भी एक लाइन में हमें कोई चेंजिंग करनी हो तो वो हमें कौन सी कमांड ये हमारे पास काम परफॉर्म करती है, दैट इज़ बाय एडिट कमांड। ठीक है, पर्पज़ ऑफ एडिट कमांड, दिस कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई अ लाइन नंबर। ठीक है, प्रोग्राम लाइन ये क्या करती है, मॉडिफाई करती है, ये प्रोग्राम लाइन को मॉडिफाई करती। अब हम इसका सिंटैक्स पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द सिंटैक्स, सिंटैक्स इसका है हमारे पास एडिट लाइन नंबर, यानी कि जो भी लाइन नंबर हमें चाहिए ये क्या करेगी, हमें वो डिस्प्ले करवा देगी और हम उसके अंदर जो भी हमें चेंजिंग करनी होगी हम कर लेंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम स्टडी कर लेते हैं, इनकी कुछ एग्जाम्पल भी हमें गिवन है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गिवन है एडिट 140, तो ये क्या करेगी, ये डिस्प्ले कर देगी हमारे पास लाइन नंबर। प्रोग्राम के लास्ट में हम जब लिखेंगे एडिट 140 तो वो उसके नीचे हमारे पास डिस्प्ले कर देगी लाइन नंबर 140 को डिस्प्ले कर देगी और फिर हमें उसमें जो भी चेंजिंग करनी होगी हम कर लेंगे। सेकेंड आपके पास अगर मैं हम लिखते हैं एडिट और फिर डॉट, इसका मतलब है कि हमारे पास जो करंट प्रोग्राम होगा उसकी लाइन को क्या कर देगी, वो डिस्प्ले कर देगी। करंट प्रोग्राम लाइन, जिस लाइन पर हमारा कर्सर अभी मूवमेंट मौजूद होगा, ये क्या कर देगी, करंट लाइन को डिस्प्ले कर देगी। करंट लाइन मीन्स जैसे मैं प्रोग्राम में कोई वर्किंग करूँ, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 30, लाइन नंबर 40। ठीक है, अब मेरा कर्सर लाइन नंबर 20 पर है तो मैं लास्ट में यहाँ पर आकर मैंने लास्ट में लाइन नंबर 20 पर कोई वर्किंग की थी तो मेरी करंट लाइन नंबर कौन सी हो जाएगी, लाइन नंबर 20। तो मैं अगर लास्ट में लिखती हूँ एडिट डॉट तो ये लाइन नंबर 20 को मेरे पास डिस्प्ले करवा देगी और मैंने जो भी चेंजिंग करनी होगी हम इसमें कर लेंगे। तो ये डॉट का मकसद समझ में आ गया कि एडिट डॉट मीन्स कि आपके पास करंट लाइन में, आपके पास जिस प्रोग्राम पर आप करंट होंगे वो उस लाइन को क्या कर देगी, डिस्प्ले करवा देगी। द लाइन नंबर इज द नंबर ऑफ द प्रोग्राम लाइन विच वी वांट टू एडिट, दिस पॉइंट इज रिफर टू द करंट लाइन नंबर। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग द मीनिंग ऑफ दिस डॉट, द लाइन नंबर इज द लाइन नंबर ऑफ द प्रोग्राम लाइन विच वी वांट टू एडिट, द पेयर रिफर टू द करंट लाइन नंबर, इट इज रिफर टू द करंट लाइन नंबर। गॉट इट, नाउ कम टू द नेक्स्ट कमांड। The next command that we learn, that is file command. The purpose of file command, this command is used to list the name of all files. ठीक है, हमारे पास जितनी भी फाइल में, जिस भी स्पेसिफिक फाइल ड्राइव में हमारे पास वो फाइल मौजूद होंगी तो हमें वो सारे फाइल्स के नेम डिस्प्ले करवा देगी। इसका हम सिंटेक्स राइट कर देते हैं। इसका सिंटेक्स हमारे पास है, इसका हमारे पास फाइल्स और आगे हम लिख देंगे पाथ नेम।
अब ये पाथ नेम क्या होता है? पाथ नेम आपके पास लोकेशन होती है। पाथ नेम मीन्स लोकेशन जहाँ पर हमारे पास फाइल्स मौजूद हैं या जो फाइल्स हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सी ड्राइव की तमाम फाइल डिस्प्ले करवाना चाहूँगी तो मैं लिख दूँगी सी, ठीक है, फाइल सी ड्राइव, ठीक है। और अगर सी ड्राइव का कोई फोल्डर बना हुआ होगा तो ये मेरे पास बेसिकली पाथ होता है, यानी कि मेरे पास लोकेशन होती है जहाँ से मुझे वो चीज़ पिक करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिफरेंट इसकी एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं फाइल्स की। सबसे पहले अगर मैं लिखती हूँ फाइल, सिंपल फाइल, और अगर मैं फाइल एंटर करके एंटर की प्रेस करती हूँ तो मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट टाइम जो डी ड्राइव में कोई फाइल सेव की थी तो मुझे ये डी ड्राइव यानी कि करंट ड्राइव की तमाम फाइल्स को ये डिस्प्ले करवा देगी, ठीक हो गया। फाइल क्या करती है? इट यूज टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स ऑफ द करंट ड्राइव, ठीक है। जो करंट ड्राइव में आपके पास करंट ड्राइव होगी जिसमें आप वर्किंग कर रहे होगे, उनकी तमाम फाइल को डिस्प्ले करवा देगी। सेकंड आपके पास एग्जांपल है फाइल इनवर्टेड कॉमास स्टेरिक डॉट डॉक। अब ये स्टेरिक क्या है? हमारे पास ये वाइल्ड करेक्टर है यहाँ पर आपके पास। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल फाइल्स। देखिए, हमारे पास जब भी हम कोई राइट करते हैं ना तो फर्स्ट में आपके पास फाइल नेम आता है और फिर उसकी एक्सटेंशन आती है। तो फाइल पे जब हमने स्टार बना दिया, इट्स मीन ऑल फाइल्स। सिमिलरली अगर मैं लिखती हूँ फाइल स्टेरिक, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए बी सी डॉट स्टेरिक, इट्स मीन कि ए बी सी नाम की जितनी भी फाइल हैं चाहे वो किसी भी एक्सटेंशन की हो वो सारे शो कर देगा। तो इसका मतलब होता है ऑल, यानी कि अगर मुझे उस टाइप की ऑल फाइल्स देखनी होंगी तो मैं क्या लगाऊंगी? स्टेरिक लगाऊंगी। इफ आई राइट फाइल इनवर्टेड कॉमा स्टेरिक डॉट स्टेरिक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वाली जगह किसकी है? फाइल नेम की है, तो ऑल फाइल्स, और ये जो आपने स्टार बनाया है दैट इज़ फॉर एक्सटेंशन। डॉट के बाद हम एक्सटेंशन राइट करते हैं तो फिर ऑल एक्सटेंशन, यानी कि जितनी भी फाइल्स हैं उसकी जितनी भी एक्सटेंशन है उन सबको शो करवा देगा। अगेन रिपीट करते हैं इसको, फाइल स्टेरिक डॉट डॉक, इसका मतलब होता है ऑल, यानी कि ऑल फाइल। देखिए, फर्स्ट में फाइल नेम है, हम फर्स्ट में फाइल नेम, फिर डॉट, फिर उसकी एक्सटेंशन आती है। अगर मैं फर्स्ट वाली जगह पर मैं स्टार बना दूंगी तो इसका मतलब है कि ऑल फाइल नेम। अगर मैं सेकंड वाले की जगह पर स्टेरिक बना दूंगी तो इट मीन्स ऑल एक्सटेंशन, ठीक है। तो आपके पास इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टेरिक डॉट डॉक, यानी कि ऑल फाइल्स, तमाम फाइल्स जिसकी एक्सटेंशन क्या है? डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास डिस्प्ले करवा देगा। सेकेंड एग्जाम्पल में आपके पास क्या है कि हमारे पास फाइल नेम अब उन्होंने मेंशन कर दिया है ए बी सी, ठीक है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन उन्होंने क्या दे दी है? स्टेरिक। स्टेरिक मीन्स ऑल फाइल्स। तो ए बी सी नाम की जितनी भी फाइल्स हैं चाहे वो उसकी कोई भी एक्सटेंशन हो उनको डिस्प्ले करवा देगा। थर्ड वन आपके पास क्या है? स्टेरिक डॉट स्टेरिक, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी फाइल्स हैं चाहे उनकी कोई भी नेम हो चाहे उनकी कोई भी एक्सटेंशन हो वो उनको डिस्प्ले करवा देगा। गॉट इट। अब एक और हम कर लेते हैं, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है आपके पास। आपके पास लिखा है फाइल मैक्स और आगे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया डॉट एक्स एल एस, इट्स मीन कि हमारी जो फाइल है उसके कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4, लेकिन जो चौथा करेक्टर है वो हमें नहीं पता। तो उस चौथे करेक्टर की जगह जो हमें नहीं पता उसकी जगह पर मैंने क्वेश्चन मार्क पार कर दिया। तो इसका मतलब है कि फाइल ने वो वाली फाइल डिस्प्ले करवानी है जिसके फर्स्ट 3 लेटर क्या होंगे? मैक्स होंगे, चौथा करेक्टर हमें नहीं पता, वो कोई भी हो सकता है, और आखिर में जो उसकी एक्सटेंशन होगी वो क्या होगी? एक्स एल एस, यानी कि ये वो फाइल डिस्प्ले करवाएगा जिनकी एक्सटेंशन होगी एक्स एल एस। उसकी होंगे 4 लेटर नेम होगा जिसके फर्स्ट 3 लेटर क्या होंगे? एम ए एक्स, ये उन फाइल्स को डिस्प्ले करवाएगा। गॉट इट, ठीक है। आज भी हमने क्या कौन कौन सी कमांड पढ़ी? आज हमने पढ़ी डिलीट कमांड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिलीट कमांड? डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट करंट लाइन नंबर, ठीक है, लोडेड इनटू द प्रोग्राम, यानी कि जो लोड होगा प्रोग्राम आपकी मेमोरी में उनकी लाइन नंबर को डिलीट करना होगा। तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? डिलीट कमांड। मॉडिफाई क्या करेगा? मॉडिफाई कमांड इज यूज टू मॉडिफाई लाइन नंबर, ठीक है, और
आपके पास फाइल क्या करेगी, फाइल कमांड इज यूज टू लिस्ट द नेम ऑफ आल फाइल, लिस्ट द नेम ऑफ आल फाइल से ये लिस्ट को डिस्प्ले करती है, फाइल्स के नेम आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और कमांड्स ही पढ़ेंगे। टिल दैट फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।